हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरोत्तम। आप देख रहे हैं टेक्निकल नरोत्तम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट बैटरी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये 12 वोल्ट बैटरी किस तरीके से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की 12 वोल्ट बैटरी बनाने के लिए हमें इन तीन बैटरी की ज़रूरत होगी, जो कि हमारा 4 वोल्ट 1 एम्पीयर की है। ये हमारा लीड एसिड बैटरी है। उसके बाद मैं इन तीन बैटरी को सीरीज में लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो फास्ट बैटरी है, इसका जो माइनस है, मैं इसका माइनस को सेकंड बैटरी का प्लस में लगा दिया हूँ, और सेकंड बैटरी का जो माइनस होता है, इसको मैं थर्ड बैटरी का प्लस में लगा दिया हूँ। और ये थर्ड बैटरी का माइनस और फास्ट बैटरी का प्लस, ये हमारा 12 वोल्ट आउटपुट देगा और ये हमारा 1 एम्पीयर की करेंट देगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस बैटरी को मल्टीमीटर के दौरान इसका वोल्टेज चेक करके आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में सेट कर देता हूँ और इस मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब को बैटरी की नेगेटिव में, मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब को बैटरी की पॉजिटिव में लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारा 10.92 10.88, यानी कि यह हमारा करीब करीब 11 वोल्ट दिखा रहा है। यह हमारा बैटरी अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो यह हमारा 12 से 13 वोल्ट दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इस बैटरी के जो माइनस और प्लस में वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं, सोल्डरिंग कर दिया हूँ। और ये हमारा जो ग्रीन वायर है, यह हमारा बैटरी की पॉजिटिव होगा, और ये जो हमारा येल्लो वायर है, यह हमारा बैटरी की नेगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी का बॉक्स बनाने के लिए मैं कुछ कार्टून बोर्ड की टुकड़े को यहाँ पर कट करके रखा हूँ, जिसका साइज आपको स्क्रीन में दिख जाएगा कितना सेंटीमीटर में लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपनी बैटरी की साइज़ के हिसाब से इसको कट करिए, वरना आपकी साइज काफ़ी बड़ा या फिर छोटा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस टाइप का एक बॉक्स बना लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसका अंदर इस बैटरी को घुसाऊंगा, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस बैटरी को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया हूँ और ये हमारा बॉक्स काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसका लुक्स भी काफ़ी सुंदर है। और उसके बाद मैं इसका जो ऊपर का हिस्सा है, मैं इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ किया था। अगर आपको ग्लू गन बनाना नहीं आता है तो आप मेरा आई बटन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैटरी का जो ये येलो वाला वायर है, ये हमारा नेगेटिव और ग्रीन वाला पॉजिटिव, और ये हमारा 12 वोल्ट बैटरी 1 एम्पीयर की है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस 12 वोल्ट की मोटर को यहाँ पर इस बैटरी के दौरान रन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को मैं इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोटर घूमने लगा है। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा बैटरी है, ये हमारा 12 वोल्ट बैटरी है और 1 एम्पीयर की बैटरी है, यानी कि ये बहुत ही, इसका जो एम्पीयर है बहुत ही कम है, इसीलिए ये हमारा हेवी मोटर को चला नहीं सकता। अगर आपको हेवी मोटर चलाना है तो आपको यहाँ पर और भी बैटरीज लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं रहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।